आपका स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिक टू जीके में। तो आज हम बिहार के लिए स्पेशल करंट अफेयर लेकर उपस्थित हैं आप लोगों की को, जो आप लोगों को परीक्षा में बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। तो इस वीडियो के तहत आप लोगों को टॉप 30 क्वेश्चन जो करंट अफेयर से संबंधित है बहुत ही अच्छी तरह से मिलने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच आ रहा है कि बिहार के किस छात्र ने सबसे कम उम्र पर डेवलपर बनकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा रिशु राज। रिशु राज ने सबसे कम उम्र में डेवलपर बनकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो इस ऑनलाइनर प्रश्न को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच आ रहा है कि बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जोड़ा गया है। तो इसका सही जवाब होगा पटना को। पटना को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि बिहार में कहाँ राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। बिहार में कहाँ राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा फतुहा पटना में। फतुहा पटना में जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी मैदान में आयोजित 76वें स्वतंत्रता दिवस पर बिहार के झांकियों में पहला स्थान किसे मिला। पहला स्थान किसे मिला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृषि विभाग को। कृषि विभाग को 76वें स्वतंत्रता दिवस पर पहला स्थान मिला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ खोला गया। बिहार में पहला जैव विविधता पार्क कहाँ खोला गया। इसका सही जवाब हो जाएगा अररिया में। अररिया जिला में पहला जैव विविधता पार्क खोला गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि बिहार के किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन स्टेशन के रेटिंग में गोल्ड रेटिंग देकर सम्मानित किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बापूधाम मोतिहारी स्टेशन को। बापूधाम मोतिहारी स्टेशन को गोल्डन रैंकिंग में गोल्ड रेटिंग देकर सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन स्टेशन के रेटिंग में सिल्वर रेटिंग देकर सम्मानित किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भागलपुर रेलवे स्टेशन को। तो गोल्डन में पूछे तो मोतिहारी और सिल्वर में पूछे तो भागलपुर। उसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि बिहार के किस जिला में राज्य का पहला IED इम्प्रोवाइज एप्लोसिस डिवाइस मॉडल रूम का निर्माण किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गया जिला में। गया जिला में IED का मॉडल रूम का निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि बिहार के सभी सदर अस्पतालों में बिहार का नंबर 1 अस्पताल कौन बना। बिहार के सभी सदर अस्पतालों में बिहार का सबसे नंबर 1 अस्पताल कौन बना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भागलपुर सदर अस्पताल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि बिहार का 39वां जिला किसे बनाए जाने की तैयारियां की जा रही है। तो ये भी यही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि बिहार का 39वां किसे जिला बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाढ़ को, जो बाढ़ पटना में स्थित है। तो इसी को 39वां जिला बनाने की तैयारियां की जा रही है। तो 38वां जिला पूछ दे तो आप लोग को अरवल जिला कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिला में बनाया जा रहा है। बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिला में बनाया जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पटना जिला में। पटना जिला में बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि बिहार के किस पर्यटन स्थल पर राज्य का पहला व्याख्यान बनाया जाया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जू सफारी। जू सफारी जो राजगीर नालंदा में
स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती शुरू की गई है। बिहार के किस जिले में हाइड्रोपोनिक विधि से खेती शुरू की गई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भोजपुर जिला में। भोजपुर जिला में हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती शुरू की गई है। ये क्वेश्चन आप लोगों को याद कराने के व्यू से या क्वेश्चन दिया जा रहा है कि आप लोग एक बार में ही सुनने मात्र से आप लोग को याद हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का कौन सा जिला है। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नालंदा जिला। नालंदा जिला इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार कैबिनेट के फैसले के अनुसार खेल प्रशिक्षण के अध्यक्ष कौन होंगे। बिहार कैबिनेट के फैसले के अनुसार खेल प्रशिक्षण का अध्यक्ष कौन होंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री खेल प्रशिक्षण के अध्यक्ष होंगे। अगला प्रश्न आ रहा है कि अमृत सरोवर निर्माण के तहत बिहार में सर्वाधिक सरोवर का निर्माण किस जिले में किया जाएगा। सर्वाधिक सरोवर का निर्माण किस जिला में किया जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कटिहार जिला। कटिहार जिला में सर्वाधिक सरोवर का निर्माण किया जाने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि महाराष्ट्र व तमिलनाडु के तट पर किस जिले में टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जाएगा। महाराष्ट्र और तमिलनाडु के तट पर किस जिले में टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गया जिला। गया जिला में टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का पहली मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा। बिहार का पहली मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा, तो इसका सही जवाब होगा जैतिया गांव, जो पटना में स्थित है। तो जैतिया गांव में पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 10 लाख से आबादी वाले शहरों में पटना का स्थान क्या रहा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 38वां स्थान रहा 2022 सर्वेक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बिहार के सभी नगर निकायों में पटना का स्थान किया रहा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला स्थान रहा स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में। बिहार के सभी नगरों में पहला स्थान पटना का रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बिहार में गंगा के किनारे वाले शहरों की सूची में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंगेर जिला। मुंगेर जिला गंगा नदी किनारे पर स्थित प्रथम शहर, जो स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार प्रथम जिला घोषित किया गया है मुंगेर जिला को। आगे क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ शुरू किया गया, तो इसका सही जवाब होगा बरौनी। बरौनी में प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का शुरुआत किया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि मई 2022 में बिहार सरकार द्वारा कराई गई पहली पक्षी गणना के कुल कितने पक्षियों की प्रजातियों को गणना की गई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 202 प्रजातियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ खोला गया। बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ खोला गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भागलपुर जिला में। भागलपुर जिला में कछुआ पुनर्वास केंद्र खोला गया है। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि बिहार में सुरक्षित प्रसव कराने वाला कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा। बिहार में सुरक्षित प्रसव कराने वाला कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कटिहार जिला। कटिहार जिला सुरक्षित प्रसव कराने वाला प्रथम जिला रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार नस्ल में गायों के संरक्षण और संवर्धन करने वाला बिहार में गोवंश विकास संस्थान का स्थापना कहाँ होगा, तो इसका सही जवाब होगा पटना जिला में। पटना जिला इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के पहली बार किस जिले में पुलिस द्वारा पेड़ों का ऑडिट कराया जाएगा। बिहार में पहली बार किस जिले में पुलिस द्वारा पेड़ों का ऑडिट कराया जाएगा, तो इसका सही जवाब होगा
अरवल जिला में। आगे क्वेश्चन है कि बिहार के किस धाम का विकास हरिद्वार के हर की पौड़ी के तर्ज पर किया जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिमरिया धाम बेगूसराय। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोग को सबसे पहले मिले। तो ये वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।